हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप लोग कैसे हो आप सब। एंड मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हो। एंड बस आज का ये मेरा व्लॉग एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। एंड अभी बज रहे होंगे 7:15। एंड आज मैं उठ गई हूँ तो मैं फटाफट से आज अपना जो भी क्लीनिंग का है, मतलब उसके थप के जो टॉयज वगैरह फैले होते हैं, जो भी समेटने का काम होता है ना, मैं सोने के पहले ही कर देती हूँ। बिकॉज ये जो मतलब सुबह सुबह मतलब ये नहीं करना पड़ता है, उठते ही क्लीनिंग कर सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत झाड़ पोछ करके या डस्टिंग करना हो तो उसके बाद डायरेक्ट मतलब क्लीन कर सकते हैं, और समेटने का काम मैं पहले ही कर देती हूँ तो इससे बहुत इजी हो जाता है। और रात में थोड़ा सोने के पहले घर समेट दो, किचन भी मैं क्लीन करके रख देती हूँ, मतलब किचन का सब कुछ क्लीन करके रखती हूँ। सो उठने के बाद ना थोड़ा फ्रेश फ्रेश सा लगता है, बर्तन वगैरह एंड सब कुछ। एंड कल लाए थे हम वेजिटेबल, सो मैं सोच रही हूँ कि इनको वॉश कर देती हूँ। मतलब मैंने वॉश नहीं किया था, निकाल के बास्केट में रख दिया था। और ये देखिए कितने फ्रेश, और यहाँ ना बहुत अच्छे स्वीट कॉर्न, ये अमेरिकन भुट्टा मिलते हैं। सो इनको मैं रख देती हूँ ऐसे ही, बिकॉज ये पैक हैं और इनको वैसे भी धोने के बाद तो ये ख़राब ही हो जाएंगे। सो ये पैक है, मैंने उनको रख दिया ऐसे ही। एंड ये जो बास्केट है बर्तन वाली, तो मैं ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, बिकॉज रात में गीले होते हैं तो सुबह ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ मैं। जो रात के बर्तन धुले हुए होते हैं वो सुबह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। सो अब मैं इनको कर देती हूँ ऑर्गेनाइज़, बास्केट खाली हो जाएगा। एंड बस आज ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक का रूटीन, जो मेरा पूरा बिजी शेड्यूल होता है। पूरा एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उठते ही मैंने थोड़ा बहुत जो भी हॉल ऑल क्लीन मतलब करना था वो कर दिया। एंड अभी मैं बाद में डस्टिंग करूँगी, जब तक कि ये बर्तन ऑर्गेनाइज़ कर दिए मैंने। एंड सब्ज़ियाँ ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं, और बाकी की जो सब्ज़ियाँ हैं उनको मैं वॉश भी कर लूँगी। तो ये सब जो काम है वो, और एक बार मैं प्लेटफॉर्म को भी कपड़े से मतलब ऐसे ही पोंछ लेती हूँ डस्टिंग। मतलब रात में जो कीड़े वीड़े है, मतलब कुछ ऐसा लगता है कुछ ना मतलब चल रहा हो, कीड़े जो चींटियाँ, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, पर सूखा हुआ ही है सब, अभी क्लीन ही है रात का किया हुआ। पर एक बार मैं फिर से ऐसे ही झाड़ लेती हूँ। सो बस, और अब कर लेती हूँ जल्दी से वेजिटेबल को वॉश। और उसके पहले आज मैं सोच रही हूँ कि ये मसूर की दाल बनाऊँगी, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है भिगोने, मतलब भिगोने को 15-20 मिनट इनको भिगो दो, उसके बाद ही कुकर में लगाओ तो सही रहता है। तो मैंने इसको धो करके भिगो दी है दाल को, जब तक कि 15-20 मिनट में मेरी डस्टिंग ये झाड़ू भी हो जाएगी। सो आज मैं पहली बार अपना शेयर कर रही हूँ ये झाड़ू वाड़ू वाला रूटीन। मैंने सोचा अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करती हूँ। सो बस मैंने दोनों कमरों में लगा लिए, हॉल में लगा दूँगी, सब कुछ समेट रखा था रात में ही। तो बस ये होता है झाड़ू उठा करके अपना सीधा लगाना स्टार्ट कर दो, तो फालतू का ये झंझट नहीं रहता है, समेटने बिटने का काम नहीं होता है, रात में ही करके सो जाओ तो बढ़िया रहता है। बस मैंने कर ली है डस्टिंग, कर ली है सब कुछ, हो गया है पूरा घर क्लीन हो गया है। मैट वगैरह, मैट मतलब जो भी है अपनी जगह पर मैं डाल दूँगी सबका। एंड बस सुबह से मतलब घर एकदम चकाचक एकदम साफ साफ हो जाए ना, तो बढ़िया अच्छा सा लगता है। ये देखिए मैंने कर दिया है पूरा, सब कुछ क्लीन कर दिया है, पूरी क्लीनिंग मेरी हो गई है। अब बस किचन भी क्लीन है, घर भी क्लीन हो गया है। वेजिटेबल तो रोज़ नहीं आते हैं, मतलब रोज़ रोज़ का ये वेजिटेबल वाला काम नहीं है, बट हाँ अभी मेरे वेजिटेबल मैं कल लेकर के आई थी तो उनको मैंने रात में वॉश नहीं किया था, तो बस मैं अभी इनको वॉश करके रख दूँगी बास्केट में, और थोड़ा सा साइड में बालकनी में या धूप में रख दूँ तो फटाफट से सूख जाएगी, उसके बाद मैं फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। एंड बस ये सारे वेजिटेबल मैंने साफ़ कर दिया। हमेशा ना मैं वेजी क्लीनर से साफ़ नहीं करती हूँ, मुझे रनिंग वाटर में ही मतलब नॉर्मल वाटर में ही साफ़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, कभी कभी उसमें भी कर देती हूँ। एंड ये मेरा ये जो वाइप से टिशू है उनका पैकेट ख़त्म हो गया था, सो मैं इसको दूसरा खोल रही हूँ। एंड ये जो आप बॉक्स देख रहे हो इसमें मैं रखती हूँ धनिया, और बस क्योंकि खट्टी लाई जाती है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज और करके रखना ज़रूरी होता है, बिकॉज ये जल्दी ख़राब हो जाती है, सो मैं टिश्यू पेपर में लपेट के रख देती हूँ। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ शिवानी, आप देख रहे हैं शिवानी व्लॉग्स। एंड आज का ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया था सुबह से ही, जैसे कि आपने देखा मैं उठी थी। सो जब से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना ये वीडियो, एंड आज मैंने सोचा क्यों ना आज मैं मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग अपना जो मेरा रूटीन चलता है वो शेयर करूं। सो बस जो जो भी आज मैंने सुबह से किया है सब कुछ आपके साथ शेयर किया है।
एंड अभी मेरी क्लीनिंग हो गई है एंड आपने देखा जो भी छोटे मोटे सुबह के काम होते हैं, सारा सामान एक जगह रखना जो भी फैला हुआ होता है पहले दिन का, एंड किचन भी थोड़ा थोड़ा सा सब करके क्लीनिंग कर लिया बिकॉज आज है संडे, तो मेड यहाँ पर आती नहीं है जो कि अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने लगाई है और आज है संडे तो आज उनको आना नहीं है, आज है वो छुट्टी पे, सो आज मुझे डस्टिंग क्लीनिंग एंड बर्तन वॉश सब कुछ मुझे ही करना है। एंड आज मेरी नींद भी खुल गई थी बहुत पहले, एक्चुअली मैं 6 बजे उठी, आँख खुल गई मेरी 6 बजे एंड लेटे 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 फिर मुझे नींद नहीं आई, हो गया 6:30, फिर आखिर मैं 7:45 तक उठी गई थी। सो बस मेरा हो गया है, क्लीनिंग वगैरह हो गया है और वेजिटेबल वॉश करनी थी जो कल लाई थी, मैं रखी हुई थी वो मैंने वॉश कर दी है एंड दाल भिगो करके रख दी है, वो मसूर वाली दाल मुझे आज बनाना है। और अभी ब्रेकफास्ट, अथर्व और शिवम अभी उठे नहीं है, ब्रेकफास्ट और जो लंच का प्रिपरेशन है वो मैं करूँगी नहाने के बाद। अब सोच रही हूँ जल्दी उठ गई हूँ तो नहा भी लेती हूँ। एंड ये देखो ये जो फ्रोज़न बॉटल थी ना इसमें मैंने ये लगा के रखा है, पानी में डाल रखा है मनी प्लांट, तो काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी कुछ हो ना प्लांट वगैरह घर में लगे हों तो बहुत अच्छा लगने लगता है, सिर्फ इतना सा ही लगाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो बस यही है, मैंने गीजर ऑन कर दिया, एक्चुअली यहाँ है ठंडा तो मुझे डेली ही गीजर मतलब ऑन करना पड़ता है, सो मतलब हल्का गुनगुने पानी से नहाने की अब आदत सी ही हो गई है बिकॉज यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा सा ही रहता है। सो बस यही है एंड शिवम और अथर्व उठेंगे तो मैं करूँगी बेडिंग बाद में, वो तो हो जाएगा, बाकी तो पूरा घर साफ चकाचक हो गया है। बस मैं अभी जा रही हूँ नहाने, नहाने के बाद पूजा करके फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट एंड बनाएंगे लंच। चलती हूँ मैं नहाने के लिए, फिर मिलूँगी मैं आपसे बाद में। बड़ा कर देती हूँ। सो गाइज मैंने नहा लिया है एंड बस ऐसे ही थोड़ा सा कंगी वंगी करके पूजा भी कर ली है, मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ, लाइट ऑन करूँ, ये देखिए मैंने पूजा भी कर ली है, नहा भी लिया है एंड बस अब चलिए चलते हैं बनाते हैं ब्रेकफास्ट। मैं बनाने वाली हूँ वो नमकीन सेवैयाँ वामसली बनाने वाली हूँ मैं एंड साथ साथ में रोटी मतलब साथ में बनाती जाऊंगी, ब्रेकफास्ट भी एंड लंच की तैयारी भी साथ साथ में करती जाऊंगी और यही है अभी तक तो, और पूछूंगी वे क्या खाना है क्या बनाना है उसके बाद देखेंगे। और ये देखिए ये लोग कबोर्ड खोलते हैं ना तो कभी बंद नहीं करते हैं, मैं आपको अक्सर बताती हूँ अपने उसमें वीडियो में, कभी भी बंद नहीं करते ये लोग खोलने के बाद। तो बस मैं हो गई हूँ नहा करके रेडी, आज बहुत ही फ्रेश फ्रेश लग रहा है क्योंकि बहुत जल्दी उठ गई हूँ मैं और सारा काम जल्दी जल्दी निपट गया, मतलब वो मेड भी नहीं आई है, वो दीदी भी नहीं आई है, उसके बाद भी मैंने बर्तन भी क्लीन कर ली नहाने से पहले एंड कल ना मैं भूल गई थी कि आज संडे है उनको आना नहीं है और मैंने बर्तन छोड़ दिए थे बिकॉज जैसे चलता है डेली का वो आती हैं तो वही करती हैं, मतलब 2-3 दिन से अभी ऐसा हो रहा है और मैं भूल गई थी कि संडे को यहाँ पर छुट्टी रहती है, मतलब संडे को छुट्टी होती है अक्सर, मतलब सभी लोग ऐसा लेते हैं तो वो भी नहीं आ रही हैं, सो मुझे मैं भूल गई थी, मैंने बर्तन इकट्ठे कर लिए थे तो मैंने अभी नहाने के पहले उनको वॉश कर दिए हैं और क्लीनिंग तो आपने देखा क्लीनिंग भी कर ली है, ब्रेकफास्ट बनाते हैं चल के एंड साथ साथ में लंच बनाते हैं, मसूर की दाल बना रही हूँ मैं, चावल और रोटी यही आज सिंपल लंच करेंगे एंड ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं नमकीन वॉमिटिंग, तो चलिए चलते हैं किचन में फटाफट से बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। और अथर्व उठ गए हैं ब्रश व्रश कर रहे हैं वो लोग और हो गया टाइम थोड़ा, वो बगल में जाके खेल भी आया है वो आंटी के पास जा करके। तो बस यही है, चलिए चलते हैं फटाफट से, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब चलते हैं किचन में। सो गैस मैं बनाने वाली हूँ वर्मसली, उसके लिए फटाफट से मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पे और आप मेरी यही कढ़ाई देखते होगे ना अधिकतर, पता नहीं मुझे शुरू से ही मतलब ये लोहे की कढ़ाई में ही सब कुछ बनाना अच्छा लगता है और घर पर भी ऐसे ही बनता है, सो ये नॉनस्टिक कढ़ाई वगैरह मतलब अच्छा होता है, मतलब ये सबसे बेस्ट होता है लोहे की कढ़ाई में बनाना। सो मैं सोचती भी हूँ कि वीडियो में पता नहीं कैसा लगता होगा देखने में, बट कोई नहीं मतलब अच्छा, इसमें काफ़ी अच्छा खाना बनता है
और चिपकता नहीं है, सब कुछ मतलब अच्छे से बनता है, मुझे पसंद है इसमें बनाना। और बस मैंने भून ली, हल्का ऑयल डाल करके वर्मिसली भून ली है मैंने, और साइड में पानी रख दिया था उसमें वो नमक डाल करके, तो बस भून करके उसमें डाल दी है और बस थोड़ी खोल लाना है, उसके बाद उसको स्ट्रेन कर लेंगे पानी को। एंड बस मैंने इसमें ऑयल डाल करके हरी मिर्च एंड जीरा और प्याज डाल करके प्याज को भून रही हूँ। और शिवम ने बोला था हलवा खाने को, सो साइड में मैं हलवा भी बना रही हूँ। मतलब शिवम ने अचानक बोला कि मुझे हलवा खाने का मन कर रहा है, तो कुछ मीठा, तो मैंने सूजी का हलवा खाना था, तो मैंने सोचा ठीक है। तो बस मैंने थोड़ी सी रोस्ट कर ली है सूजी, और बीच में डालती, मैं पहले से घी नहीं डालती हूँ, नहीं तो ना भूनने में बहुत टाइम सा लगता है। आप ऐसा करिए, आप हल्का सा जब आपकी सूजी भुन जाए ना, उसके बाद बीच में आप घी डालिए और थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाइए। और तो बस ऐसे में अच्छी सूजी बढ़िया अच्छी बुन जाती है, और बहुत अच्छी उसमें ना फ्लेवर आने लगता है घी का। एंड बस साइड में मैं ये भी बनाती जा रही हूँ वर्मिसली, उसमें बस जैसे ही प्याज भुन गया है ना, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी टोमेटो। मतलब बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, सुबह का नाश्ता है, बहुत ज़्यादा ऑयली मतलब वैसा नहीं बनाना है, और बस हेल्दी भी रहता है ये वर्मिसली, अच्छा भी रहता है खाने में, टेस्टी भी होता है। सो बस आज तो बढ़िया नाश्ता बन गया है, मतलब सूजी का हलवा एंड नमकीन वर्मिसली, तो बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च एंड धनिया पाउडर, बस इतना सब डाल करके इसमें मिक्स कर दूँगी मैं। और आप साइड में नीचे देख रहे हो ना प्याज कटा हुआ वो मैंने ना सारी चॉपिंग एक साथ ही कर ली है, मतलब दाल फ्राई करने के लिए भी, सो इसलिए। एंड बस खड़े खड़े किचन में ऐसे ही काम करते रहो ना तो सही रहता, मैं खड़े मतलब दाल तो बनाना ही है वैसे भी, तो बस इसलिए मैंने जल्दी से इसके लिए चॉप किया वेजिटेबल, प्याज टमाटर ये सब, तो दाल के लिए भी मैंने कर लिया है लहसुन अदरक एंड ये सब कुछ, तो सही रहता है, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट काम हो जाते हैं। तो बस अब ये सब कुछ मसाला पक गया था, उसके बाद मैंने वर्मिसली डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अपना फेवरेट मतलब धनिया पत्ती के बिना कैसा लग रहा था, और उसको डाल दिया ना ऊपर से, कितना अच्छा मतलब लगने लगा देखने में भी, एंड खाने का मन तो मेरा अभी भी कर रहा है मतलब मैं वॉइस ओवर जब कर रही हूँ ना तब देख रही हूँ, तो मुझे खाने का मन कर रहा है। तो कोई नहीं, बस हमारी वर्मिसली हो गई है बनके रेडी, एंड हलवा भी बनके रेडी हो गया है। उसमें बस मैंने अच्छे से सूजी भून करके डाल दिया था चीनी एंड पानी। अब मैं डाल दूँगी इसमें कूट करके मतलब इलायची पाउडर, एंड मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी कट करके रखा है, तो बाद में ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दूँगी। तो ये हमारा हलवा बनके हो गया है रेडी, और ऊपर से भी घी डाल देंगे थोड़ा सा, और बीच में भी मैंने घी डाल दिया था, मतलब अच्छा बन, जितना आप सूजी लो उतना ही घी डालो तो सबसे अच्छा हलवा बनता है। सो बस इतना मैंने, देखो ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, और बस हलवा बनके हो गया रेडी, वर्मिसली बनके हो गई है रेडी, और बस मैं इनकी प्लेटिंग कर लूँगी और बस हम इसको इंजॉय करेंगे। आज तो पेट भर गया था, मतलब नाश्ते में ही पेट भर गया था, ऐसा लग रहा था डिनर की ज़रूरत ही नहीं है और अथर्व को देखो लग रहा है कि ये बड़े मस्त उससे खा रहा है, लेकिन इसको खिलाने में बहुत मेहनत लगती है सो बस हमने ये इंजॉय किया आज का ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं जल्दी से छौंक लेती हूँ अपना ये दाल, तो दाल के लिए मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली को ले लिया है, हींग डाल दी है और प्याज भी डाल दूँगी। सब कुछ अच्छे से भूनने के बाद इसमें नमक डालूँगी मैं। आप इस वाली दाल को घी में बनाइए तो भी बहुत टेस्टी बनती है, बिकॉज़ दाल में तो घी सबसे ज़रूरी है, हम लोग ऊपर से डाल के भी खाते हैं, मतलब जब खाना खाते टाइम सर्व करूँगी ना मैं, तो ऊपर से गरम करके, दाल गरम करके घी ऊपर से डाल लेते हैं। मुझे इसका टेस्ट सरसों के तेल में भी अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभी इसमें बनाती हूँ, कभी कभी देसी घी में भी बनाती हूँ। सो बस इसमें डाल दूँगी, जैसी प्याज भुन जाएगी इसमें मैं डाल दूँगी मसाले, धनिया मिर्च एंड हल्दी पाउडर, एंड बस उसके बाद मैं इसमें भिगो कर जो दाल रखा था हमने वो डाल देना है। और बस पानी इसमें थोड़ा अच्छा पड़ता है, बिकॉज़ ये दाल को सीटी ज़्यादा लगानी पड़ती है और टाइम लेता है थोड़ी सी पकने में, तो पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालिए, बिकॉज़ ये गाढ़ी गाढ़ी भी ना हो। और ये दाल का टेस्ट जब आता है, जब ये बहुत अच्छे से पकी हुई होती है, एकदम से सॉफ्ट, एकदम से
हाथ से दबाने पे तुरंत से मतलब गल जाए तभी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस दाल का। तो बस इसमें मैं सब कुछ पानी वानी डाल करके कर दूंगी प्रेशर कुक और उसमें सीटी आ जाएगी, हमारी दाल पक जाएगी रेडी। ब्रेकफास्ट आपने देखा, ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था वामसेली और शिवम ने अचानक से बोला उनको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। ये लोग भी थोड़ा जल्दी उठ गए हैं, मतलब पहले से तो काफ़ी जल्दी उठ गए। सो उनका मन कर रहा था सूजी का हलवा खाने का, तो मैंने फटाफट से वो भी बना लिया था सूजी का हलवा। और वामसेली मैंने ज़्यादा ही थी, मतलब पहले तो नहीं पता था कि हलवा बनाना है, तो अच्छा खासा पेट भर गया हम लोगों का। लंच में आपने देखा कि दाल बन गई है और राइस बन गया है। रोटी बनाने वाली थी मैं, पर शिवम ने बोला कि रहने दो, पेट फुल हो गया है और लंच करेंगे तो बढ़िया दाल राइस खाएंगे गर्मा गर्म। सो बस यही है, अब रोटियां मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि रात में भी आज हमारा कुछ फिक्स नहीं है डिनर का। हम लोग कहीं बाहर भी जा सकते हैं। अब आपके लिए एक सरप्राइज़, कौन आने वाला है, कहाँ जाना है एंड हम क्या करने वाले हैं, तो वो सब आपके लिए है सरप्राइज़। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि मेरे वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे और आप मेरा वीडियोज़ सबसे पहले इंजॉय कर पाएंगे। एंड अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कौन आने वाला है, कौन आया है एंड ऑल सब कुछ, तो बने रहिए मेरे वीडियोस में और देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस को एंजॉय करने के लिए। एंड बस अभी करेंगे थोड़ी देर में हम लंच, उसके बाद जो भी होगा वो मैं भी यहीं से ना नेक्स्ट वाला वीडियो कंटिन्यू, मतलब इससे अगला वाला वीडियो कंटिन्यू कर दूंगी शूट करना, बिकॉज ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा लंबा। ये मेरा आज अर्ली मॉर्निंग टू लंच मतलब आफ्टरनून तक का रूटीन है। एंड बस यही था मेरा आज का ये वीडियो, फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। एंड इसके नेक्स्ट वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और प्लानिंग सब कुछ चल रही है, होपफुली कि सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो, हम कहीं जाएँ और मैं अच्छे अच्छे वीडियो शूट करूँगी। सो बस यही है, चलिए फिर मिलते हैं बाद में आपसे नेक्स्ट वीडियो।